लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर अखरी बाईपास चौराहा वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 16 मरीजों को छुट्टी मिली। अब तक 82,182 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 81,253 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 156 है। जिले में सिंधौरा थाना क्षेत्र के सिंधौरा बाजार में सोमवार को गोली चलने से हड़कंप मच गया। स्कॉर्पियो पर सवार मनबढ़ों ने चाउमीन की दुकान पर बैठे युवक को निशाना साधते हुए गोली चला दी, जो कि उसकी कनपट्टी को छूते हुए दीवार में जा धंसी। घटना की सूचना पर एसपी देहात अमित वर्मा, सीओ पिंडरा अभिषेक पांडे और थाना अध्यक्ष सिंधौरा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इलाके का विमल विकास चाउमीन की दुकान पर बैठा था। उसी समय स्कॉर्पियो सवार तीन लोग मौके पर पहुंचे और चाउमीन बनाने वाला पलटा लेकर युवक को मारने लगे। जब युवक ने इसका विरोध किया तो स्कॉर्पियो पर सवार व्यक्ति में से एक ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी। कोरोना की दूसरी लहर में 28 अप्रैल से बंद वाराणसी के सभी मॉल लगभग 50 दिन बाद सोमवार से शासन के आदेश के बाद खुल गए हैं। रविवार से ही मॉल के शोरूमों में दिन भर साफ सफाई जारी रही। सफाई के बाद शोरूम का कोना कोना सैनिटाइज किया गया। कर्मचारियों ने भी शोरूम को सजा धजा कर तैयार कर लिया। मॉल के अंदर कोविड गाइडलाइंस का पालन हर हाल में अनिवार्य है। पहले दिन मॉल्स में चहल पहल दिखी, वहीं इतने दिनों बाद मॉल खुलने पर लोग भी खुश दिखे और शोरूम्स में शॉपिंग करने पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वाराणसी में वृहद वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के आदेश पर टाउन हॉल के मैदान में सोमवार से दवा विक्रेता समिति के अंतर्गत सप्तसागर दवा मंडी के दुकानदार और कर्मचारियों के लिए 18 से 44 वर्ष का टीकाकरण शिविर शुरू हुआ। इस शिविर में कर्मचारियों और दुकानदारों की भीड़ उमड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों की जमकर धज्जियां उड़ी। समिति के महामंत्री ने इस बात पर माफी मांगी और अगले दो दिन में इस बात पर ध्यान देने की बात कही। थोड़ा सा पहला दिन है, माफी चाहूंगा। पहला दिन है और लड़के हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनको लगता है कि तुरंत हम वैक्सीन लगवा लें और चले जाएं, तो कोई नहीं है, मैं करा देता हूं। 4 बजे तक चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। वाराणसी के रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के सभी बेड जल्द ही ऑक्सीजन युक्त हो जाएंगे। डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट भेज दिया है। सोमवार को इसका शिलान्यास वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा के कर कमलों से किया गया। कार्यक्रम में विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव के साथ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एमएलसी लक्ष्मण आचार्य भी उपस्थित रहे। चंदौली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर सत्ता पक्ष ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। अपनों पर भरोसा करने की बजाय शाहबगंज सेक्टर 2 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतने वाले दीनानाथ शर्मा को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। इससे राजनीति गर्मा गई है। जिले में जिला पंचायत सदस्य के 35 पद हैं। चुनाव में सत्ता पक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत सकी, इसकी वजह से मात्र 8 पदों पर ही भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों को जीत मिली। उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने आज सोमवार को कजाकपुरा स्थित IDH कॉलोनी में नगर निगम की खाली पड़ी जमीन पर एक नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की आधारशिला रखी। लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह अस्पताल अगले 4 माह में बनकर तैयार हो जाएगा और क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस होगा। इस दौरान मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने सोमवार को वाराणसी के 11 मजिस्ट्रेटों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस तबादले में जिन मजिस्ट्रेट्स को नई जिम्मेदारी दी गई है उसमें नंद किशोर कलाल, गिरीश चंद्र द्विवेदी, प्रमोद पांडे, जय प्रकाश, उदय भान सिंह, पुष्पेंद्र पटेल, महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुरेंद्र बहादुर सिंह, मनोज कुमार पाठक, मदन मोहन वर्मा और अमृता सिंह के नाम शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक योग शिविरों की धूम रही और सभी योग शिविर में कुछ मिनट योग कर प्रधानमंत्री के संकल्प योग से निरोग रहने की जीतोड़ मेहनत करते दिखे। जिला प्रशासन की तरफ से जहां मुख्य कार्यक्रम बनारस क्लब में रखा गया तो वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नगर निगम और HDFC बैंक ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन माध्यम से योगा अभ्यास का आयोजन किया। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के नेतृत्व में पुलिस लाइन में योग शिविर का आयोजन किया गया। गंगा घाट पर नमामि गंगे ने तो गंगा पार रेती पर भाजपा पार्षद की बेटी ने सैलानियों संग योगा अभ्यास किया। BHU में कुलपति के सानिध्य में योग शिविर का आयोजन हुआ तो CRPF और NDRF ने भी योग शिविर का आयोजन किया। उसी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होते हैं कि पूरे साल योग करेंगे और निरोग रहेंगे। भारत की जो ये देन है पूरे विश्व को, इसकी धरोहर को मानते हुए प्रत्येक भारतवासी योग को अपनाए, खुद को निरोग रखे और बीमारियों से बचाए। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। वॉशिंगटन से वाराणसी तक और मॉस्को से मदुरे तक आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है, पर इन सबके बीच वो स्थल आज भी पूरी तरह से उपेक्षित है जहाँ से सूत्रबद्ध होकर प्राचीन भारतीय विद्या योग आम जनमानस के लिए सुलभ हुई। हम बात कर रहे हैं काशी के जैतपुरा इलाके में स्थित प्राचीन नागकूप की, जहां पर महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी। आलम ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी किसी को भी इसकी सुध नहीं थी। लाइव VNS ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महर्षि पतंजलि की तपोस्थली और कर्मस्थली नागकूप का जायजा लिया तो इस स्थल की दुर्दशा यह बताने के लिए काफी थी कि शायद समाज और सरकार दोनों ही महर्षि पतंजलि की विद्या और उन्हें भूल चुके हैं। ये आप कुंड के सामने दीवार पे जो देख रहे हैं कि महर्षि पतंजलि जी की ही चित्र बनी हुई है, वो तो यह स्थान महर्षि पतंजलि की तपोस्थली रही है और महर्षि पतंजलि जी ने यहीं पे योग सूत्र की रचना की थी जो आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है, योग दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं। तो आज वो योग जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो स्थान यही है जहाँ से योग की पूरी सूत्रों की रचना की गई थी। महर्षि पतंजलि जी ने इसी स्थान से योग सूत्र की रचना की थी। लोग अपने सनातन धर्म को भूलते चले जा रहे हैं और आज के परिवेश को देखते हुए योग दिवस तो चलिए ठीक है मनाना शुरू कर दिए, लेकिन पूर्णतः जो हमारे योग के गुरु रहे हैं ना उनके बारे में लोग जानना चाहेंगे ना उनकी कोई स्थापना दिवस या कोई उनका कोई दिवस मनाने के लिए। तो बस ये कहीं ना कहीं हम सबकी जो जनरेशन इस समय की जो पीढ़ियां हैं उनको ना जानने की वजह से ये सब लुप्त हो रही हैं। इन स्थान के लिए देखिए हम एक दो बार यहाँ के नगर आयुक्त जी से भी मिले थे पर वो बोले कि ठीक है जाँच करते हैं देखते हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। अब विगत फिर इधर कुंड की सफाई जो प्रत्येक वर्ष होती थी कोरोना काल की वजह से 2 साल से नहीं हो पा रही है, इस वर्ष भी कुंड की सफाई के लिए अवगत कराया गया है लेकिन अभी तक बस टाइम चल रहा है कि अभी कोरोना में लोग हैं और परेशानी की वजह से नहीं हो पा रहा है।